Yeah. हेलो अस्सलाम वालेकुम नाल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज ईद का पहला दिन है और मेरे पास बड़े ज़बरदस्त सिंगर आए हुए हैं। मेरे पास जरका हैं, आज हमारा बड़ा खूबसूरत शो हुआ है और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और जरका आए हैं मेरे पास, मैंने कभी लाइव नहीं किया फेसबुक पे, लेकिन आपकी खातिर किया मैंने जी। ये जरका हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही मेहनत कर रही हैं। आप सबकी बेस्ट विशेज चाहिए, हमें वॉच कीजिएगा इंशाल्लाह। डीएम न्यूज़ प्लस पे हमारा आज प्रोग्राम चला था और इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, आप लोगों ने देखना है, व्यू करना है। मेरी दुआ है कि जरका को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। जरका, मेरे जो फैंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए एक आप दो बोल सुना दिए। हम तेरे शहर में आए हैं, ये गुलाम अली साहब की शागिर्द हैं, ये सबसे मेरे लिए खूबसूरत बात है क्योंकि गुलाम अली साहब की गज़लें सारी बड़ी प्यारी हैं, लेकिन ये सब बहुत ही फेवरेट गज़ल है जी। जरका एक बोल हो जाए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत प्यारी आवाज़ है का, मैं तो मेरा दिल चाहता है मैं आपको बैठ के सुनती रहूं और आप गाती रही, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब। थैंक यू फ्रेंड्स। और इस वक्त डीएम जो है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हमारे शुरू हुए हैं डीएम पे। आज का दिन बहुत अच्छा गया, मेरे से पहले एनी ने प्रोग्राम किया, इंशाल्लाह कल अज़र रंगीला साहब भी आएंगे यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है क्योंकि हमारा डीएम जो है डीएम न्यूज़ प्लस के नाम से इस वक्त हर केबल पे आ रहा है, हर चैनल पे आ रहा है। आप लोगों ने ज़रूर देखना है क्योंकि आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोहब्बत हमारे साथ हमेशा रही है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगी। मेरे साथ नवीद हैं इस वक्त, बहुत प्यारे सिंगर। नवीद आइए प्लीज़। नवीद आपका सिंपल नेम है, लेती हूँ आपका नवीद समी, मुझे माजरत चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम में मैंने आपसे पूरा नाम नहीं पूछा। नवीद समी की भी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने हमें सुनाए और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। हमारा प्रोग्राम आप लोगों ने ज़रूर देना, आज फर्स्ट डे था, आज का प्रोग्राम हुआ, इंशाल्लाह कल का भी होगा। मैं लाइव आऊँगी, कल के गेस्टों से भी आपकी मुलाकात चाहूँगी। नवीद थोड़ा सा जो है गुनगुना दीजिए व्यूज़ के लिए। तुम सुनने तो आओ जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। ज़बरदस्त नवीद, बहुत अच्छे। और देखिए इतने बड़े बड़े लोग आए कि मेरी जरूरत नहीं पड़ रही कि मैं कोई बात कहूँ या सुर के बारे में, क्योंकि आवाज़ें सबकी इतनी खूबसूरत थी। और इंशाल्लाह हमारा कल का प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत है, मेरे बड़े प्यारे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनको आप लोग देखें, बासर बासु बाबर आ रहे हैं, मेरे पास कल शम्स राना आ रहे हैं, मेरे पास कल सैम जी आ रही हैं, इंशाल्लाह उनकी फ़िल्म की प्रमोशन भी होगी यहाँ पे, उनकी फ़िल्म आ रही है जज्जी बादशाह जो इंशाल्लाह जल्द ही सैनमो पर रिलीज होगी। मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने खुद उनसे कह के उन्हें कहा कि आप लोग आओ अपनी फिल्म की प्रमोशन को। आज जो है वो लाजो के सारे आने वाले थे गेस्ट, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, सारे आउटडोर शूट पे गए हुए हैं, उन्होंने फिल्म मुहर्रम के बाद फौरन उन्होंने भी लगानी है। इंशाल्लाह आप लोगों से ढेर सारी बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी। और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ईद का पहला दिन है, वो इससे कम खाइएगा ताकि आप लोग बीमार ना हो, क्योंकि जो है आप लोग तंदुरुस्त रहेंगे तो बाकी का भी खाएंगे, अगर बीमार हो गए तो कौन खाएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
ये हमारा चैनल है, आप सबको मैं दिखा रही हूँ।